Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. Hello everyone, मेरा नाम है शिफाली बजाज और आज हम इस चैनल पर स्टडी करने वाले हैं टर्शियरी सोर्सेज डाटा सोर्सेज. टर्शियरी डाटा सोर्सेज के बारे में हम बात करने वाले हैं. जब भी हम कोई रिसर्च वर्क करते हैं, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई असाइनमेंट बनाते हैं, तो हमें डाटा कलेक्ट करना होता है. डाटा कलेक्शन के अलग अलग स्रोत होते हैं, अलग अलग सोर्सेज होते हैं जहाँ पर हम स्टडी करते हैं, मेनली प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में. और साथ ही एक नया जो है वो डाटा सोर्सेज जो अभी के हाल में क्वेश्चंस में आपके पेपर्स में बहुत पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, वो है टर्शियरी डाटा सोर्सेज. तो आज हम इसे ही पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, टर्शियरी सोर्सेज ऑफ डाटा. तो पहले मैं आपको बता दूँ, अगर किसी को जो नॉलेज नहीं है प्राइमरी सोर्सेज के बारे में और सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में, तो हम इन शॉर्ट पहले उसे स्टडी करेंगे, ठीक है. उसके बाद क्योंकि एक बेसिक है उसके लिए, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टर्शियरी सोर्सेज के और सोर्सेज के बारे में. प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं? वो सोर्सेज जो कि आप अपने रिसर्च वर्क के लिए खुद कलेक्ट कर रहे हो. डेट मीन्स रिसर्च वर्क के लिए आपको कोई भी डाटा चाहिए, आपकी किसी भी असाइनमेंट के लिए आपको कोई डाटा कलेक्ट करना है, उसे आप बाय द वे ऑफ सर्वे या सामने वाले से क्वेश्चन पूछकर आप उस डाटा को खुद कलेक्ट कर रहे हो और उसे जो है वो एनालाइज करके अपनी जो असाइनमेंट है, जो आपका रिसर्च वर्क है, उसके अंदर आप उसे यूज कर रहे हो, ठीक है. तो ये क्या है? हमारा ओरिजिनल थिंकिंग होती है ये डाटा हमारा, ठीक है. ओरिजिनल होता है ये हमारा, पूरी तरह से हमारा खुद का बनाया गया होता है. कोई हम किसी का डाटा जो है वो यहाँ पर यूज नहीं करते हैं, ठीक है. इसके अंदर टोटली फ्रेश इन्फॉर्मेशन होती है जो मेनली हमने अपने पर्पस के लिए ही कलेक्ट की है. उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में. सेकेंडरी सोर्सेज जो है वो ऑफ कोर्स किसी और पार्टी के द्वारा कलेक्ट किया गया होता है. मतलब अगर हम अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं, तो हम वो डाटा जो उसके अंदर यूज होना है वो हम खुद नहीं लेकर आ रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा जो कलेक्ट किया गया था उनके किसी पर्पस के लिए, उसे ही हम दोबारा से अपने काम के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है. ये मोस्टली कब होता है? जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो. मतलब आपका डाटा जो है वो जिन से आपको कलेक्ट करना है, जो आपके सैंपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है डाटा कलेक्ट करना, ठीक है. तो आप उस टाइम पर मोस्टली जो है वो सेकेंडरी डाटा का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं. इन सोर्सेज के थ्रू जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में, सम काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, कोई इस तरह के केसेस हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं, तो उस जगह पर हम यहाँ पर सेकेंडरी सोर्सेज का यूज़ करते हैं, ओके. अब लास्ट वन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज मैं यहाँ पर पढ़ाने वाली थी आपको, वो है टर्शियरी सोर्सेज. टर्शियरी सोर्सेज क्या हुआ? ये एक तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी का एक तरह से कलेक्शन ही है. कैसे? जो हम सोर्सेज, एक तरह से जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं, कोई बुक्स हैं, कोई डिक्शनरीज हैं, उनका हम अपने डाटा के, अपना जो है डाटा के लिए उसे यूज कर रहे हैं, लेकिन अब जो है हम उसे सिंपली यूज नहीं कर रहे हैं, उसे टोटली एनालाइज किया जा रहा है, ठीक है. एनालाइज करने के बाद, उन्हें अच्छे से देखने के बाद, उनसे जो है पूरा निचोड़ निकालने के बाद हम जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं. तो इसका जो है वो हम मेन क्रेडिट किसी एक बुक को नहीं दे सकते. हमने कई बुक से जो डाटा है उसको एनालाइज करके यूज किया है, ठीक है. तो इस सोर्सेज के अंदर क्या है? ये वो सोर्सेज हैं जिसके अंदर इंडेक्स, एब्स्ट्रैक्ट, ऑर्गेनाइज और कंपाइल किया जाता है डाटा को. अदर सोर्सेज से लिए गए जो डाटा है उन्हें जो है कंपाइल, ऑर्गेनाइज, एब्स्ट्रैक्ट करते हैं हम, उसे जो है उसका एक्चुअल में निचोड़ निकालते हैं. कुछ रेफरेंस जो है वो मटेरियल्स, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उन्हें हम कंसीडर करते हैं टर्शियरी सोर्सेज के तौर पर, ठीक है. जब ये इनका जो चीफ पर्पस क्या होता है कि हम जो है जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, जो इन्फॉर्मेशन किसी दूसरी बुक से या दूसरी जगह से लिया है, उसे रीपैकेज करेंगे हम, ठीक है. एक नया रूप देंगे, उसी नए तरीके से उसको लिस्ट आउट करेंगे, उसे समराइज करेंगे, ठीक है. तो उसे एक नया रूप देना, हम बिल्कुल वैसे का वैसा यूज नहीं कर रहे हैं. अगर हम वैसे का वैसा यूज करेंगे तो वो सेकेंडरी सोर्सेज कहलाएगा, ठीक है. और अगर हम खुद कलेक्ट करेंगे तो वो प्राइमरी सोर्सेज होगा. तो ये प्राइमरी सोर्सेज का कैसे निचोड़ हो गया, प्राइमरी सोर्सेज का कॉम्बिनेशन कैसे हो गया? क्योंकि हमने डाटा तो कलेक्ट किया अलग अलग बुक से, लेकिन हमने उसे एक नए तरीके से रीपैकेज किया, ठीक है. एक नया जो है वो रूप दिया, तो वो क्या हो गया? एक फ्रेश डाटा हो गया, ठीक है, जो कि हम एक तरह से हम खुद अपने लिए यूज कर रहे हैं. तो टर्शियरी सोर्सेज जो है उसको, वही बात है कि एक पर्टिकुलर ऑथर को उसका जो है वो क्रेडिट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये डिफरेंट बुक्स के थ्रू जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है इसके अंदर, ठीक है. तो एग्जाम्पल्स की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर है कुछ डिक्शनरीज, कुछ इंसाइक्लोपीडियाज, जो हमारे डिक्शनरीज ही होते हैं जिसे हम एज अ सेकेंडरी लेकर चलते हैं,
कोई एल्मेनेकास है या हमारे कोई फैक्ट बुक्स हैं, विकिपीडिया है, बिब्लियोग्राफी है, तो इन जगह से अगर हम अपना कोई डाटा जो है वो लेते हैं और उसे इंडेक्स करते हैं और उसको एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें से प्रॉपर जो है उसको एनालाइज करते हैं, तो वो सोर्सेज हमारे टेरिटरी रिसोर्सेज के अंदर आएंगे। ओके, होप्स आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करना। और यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैं अन अकेडमी पर आपको डेली टीच करवा रही हूँ, आज से जो है मैं वहाँ पर क्लासेस दे रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्लासेस होंगी, तो उसे भी आप ज़रूर अटेंड करना, ठीक है। साथ ही साथ आप अन अकेडमी प्लस पर अगर आना चाहते हो तो बहुत अच्छा मौका है, आपको अच्छा खासा लेस जो है वहाँ पर वो मिल रहा है 10% का, अगर आप मेरे रेफरल कोड को यूज़ करते हो वहाँ पर, ठीक है। तो ये है मेरा रेफरल कोड SHAFALI10 Shefali10, अगर आप इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा अपनी फीस के अंदर, चाहे आप किसी भी जो है वो फील्ड के अंदर स्टडी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप ये रेफरल कोड इजीली यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी जो है आपका एग्जाम नेट का बहुत पास है, तो नेट की प्रिपरेशन के लिए आप वहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, लाइव क्लास जो है वहाँ पर 4-5 डेली हो रही है, तो आप वहाँ पर मुझे जो है अटेंड कर सकते हैं मेरी क्लास को। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि डेली वीडियोज अपडेट जो है वो आपको मिल सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।